नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल SMC क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो घास के मैदान हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है कि आपको घास का नाम दे दिया जाएगा कि ये घास का मैदान कहाँ स्थित है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसे बन जाता है कि ये घास का मैदान कहाँ स्थित है। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो आपका यहाँ से बनता है कि ये जो घास का मैदान है ये किस प्रकार का घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का घास का मैदान है या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान है। तो इस तरीके से जो है घास के मैदान से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं आपने पढ़ी होंगी और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं का जो कार्य होता है वो किसी भी भू आकृति की वहाँ की जलवायु कैसी है, उस जलवायु को कौन दर्शाता है, वो अक्षांश रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनका कार्य होता है किसी भी स्थान का समय ज्ञात करना। ठीक है, तो जो हमारा अक्षांश रेखाएं हैं उन अक्षांश रेखाओं में मुख्य रूप से तीन अक्षांश रेखाएं हैं। पहली है हमारी जो कि ये हैं, इसको हम बोलते हैं 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम टॉपिक ऑफ क्रेंसर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हमारी रेखा है जो हमारी ये है, जिसको हम 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और तीसरी हमारी है 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि तीन प्रकार की तीन रेखाएं हैं। एक तो है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो रेखा है ये कहलाती है कर्क रेखा। मध्य वाली जो रेखा है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और जो नीचे से ये गुजरी है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। अब कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य वाला ये जो क्षेत्र है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र हमारा आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य वाला जितना भी क्षेत्र है, इन दोनों रेखाओं के मध्य वाला क्षेत्र ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी घास के मैदान होंगे वो सारे के सारे उष्ण घास के मैदान कहलाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा से ऊपर, तो ये जो क्षेत्र पड़ता है इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसी तरीके से जो मकर रेखा के नीचे वाला भाग है इसे भी बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग और मकर रेखा से नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य वाला भाग जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो कर्क रेखा से ऊपर जितने भी घास के मैदान होंगे वो सारे के सारे शीतोष्ण घास के मैदान कहलाएंगे। इसी तरीके से मकर रेखा के नीचे जितने भी घास के मैदान होंगे वो शीतोष्ण घास के मैदान कहलाएंगे। और जो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के मध्य में स्थित होंगे वो घास के मैदान जो है उष्ण घास के मैदान कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उष्ण घास के मैदान की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आता है, नाम सुना होगा कंपास, नाम सुना होगा कंपास, जो कि आपका कहां पड़ता है, ब्राजील में। कंपास, कंपास आपका कहां पड़ता है, ये आपका हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, तो यहां से देखो एक चीज तो यह बन गई कि कंपास जो है किस प्रकार का घास का मैदान है, तो ये उष्ण घास का मैदान है। कंपास कहाँ स्थित है या कंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ब्राजील में पाए जाते हैं। इसी के बाद में इसी से सटा हुआ है सेराडो, जिसका नाम है सेराडो
ये भी क्या है, ये भी घास का मैदान है, और ये भी कहाँ है, तो ये भी जो है ब्राजील में ही है। तो पहला हो गया कंपास, दूसरा हो गया सेराडो, तीसरा जो है, तीसरा हमारा हो जाएगा यहां पे आपका पाया जाता है लानोस। तीसरा जो घास का मैदान है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, लानोस, जो कि आपका कहां पाया जाता है, वेनेजुएला, वेनेजुएला एवं कोलंबिया, कोलंबिया। कंपास कहां का है, ब्राजील। सोरेडो कहां का है, ब्राजील। लानोस कहां का हो जाएगा, वेनेजुएला और कोलंबिया। तो इस तरीके से जो है दक्षिणी अमेरिका के तीन घास के मैदान हो गए। इसके बाद में जब आगे चलेंगे तो आगे हमारा पड़ेगा अफ्रीका, और अफ्रीका का सबसे फेमस जो है वो कौन सा है, सवाना। तो सवाना कहां का है, ये है अफ्रीका का, और इसका अधिकतम भाग जो है सूडान में स्थित है, सूडान, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका पड़ता है श्रीलंका, यह है आपका श्रीलंका, और यहां पे स्थित है, इसका नाम है पटाना, जो कि कहां स्थित है, श्रीलंका में। अगला जो घास का मैदान है कौन सा है, पटाना, यह भी जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और अगर इसकी स्थिति पूछी जाए तो यह श्रीलंका में पड़ता है। इसी के जस्ट नीचे आपका आ जाएगा पार्कलैंड, पार्क लैंड, ये जो है ये आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जाने। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, कंपास कहां है, ब्राजील में। दूसरा हो जाएगा सेराडो, ये भी कहां का है, ब्राजील का है। तीसरा हो जाएगा लानोस, ये भी कहां का है, वेनेजुएला एवं कोलंबिया का। फिर अगला हो जाएगा चौथा सवाना, जो कि अफ्रीका में सूडान में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। फिर हो जाएगा नेक्स्ट आपका पटाना, श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा पार्कलैंड, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण घास के मैदान पढ़े, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे। अब हम लोग बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले हम लोग एशिया से स्टार्ट करते हैं, तो एशिया में तो कोई है नहीं, इधर आएंगे तो इधर हमारा कौन सा पड़ जाएगा, यहां पे आपका पड़ता है स्टेपी, स्टेपी, स्टेपी घास का जो मैदान है वो किस प्रकार का घास का मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगर हम बात करें तो स्टेपी कहां का है, तो ये है यूक्रेन का, यूक्रेन, ठीक है, जो कि आपका यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है। इसका जो स्टेपी जो घास का मैदान है वो यूरेशिया में फैला हुआ है, सर्वाधिक भाग जो है उसका यूक्रेन में है। और अगर इसकी हम बात करें स्टेपी की, तो स्टेपी का जो खास विशेषता है ये जो है वृक्ष रहित, वृक्ष रहित घास का मैदान। स्टेपी घास के मैदान की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, कि ये एकमात्र ऐसा घास का मैदान है जो वृक्ष रहित घास का मैदान है। यहीं से एक और क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि एक स्टेपी नाम का, नोट करके लिख लेंगे, नोट, स्टेपी मरुस्थल, ये जो स्टेपी मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहता है कि स्टेपी मरुस्थल कहाँ है, तो ये है कजाकिस्तान में, और स्टेपी घास का मैदान कहाँ है, तो ये आपका है यूक्रेन में। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है पुस्टाज, पुस्टाज, पुस्टाज जो घास का मैदान है ये कहाँ है, ये हंगरी, ठीक है, पुस्टाज घास का मैदान कहाँ है, ये हंगरी में स्थित है। इसके बाद में फिर आ जाएंगे उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका का है प्रेयरी, प्रेरी घास का मैदान ये कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका। तो कर्क रेखा से ऊपर की अगर हम बात करें तो मुख्य कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा प्रेरी घास का मैदान, जो कि कैसा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। दूसरा हमारा हो जाएगा स्टेपी घास का मैदान, जो कि आपका यूक्रेन में स्थित है। तीसरा हो जाएगा पुस्टाज, जो कि आपका हंगरी में स्थित है। इसके बाद में अब हम आते हैं मकर रेखा से नीचे, तो मकर रेखा से नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपका एक पड़ता है पंपास, पंपास, गौर कीजिएगा, जो कंपास है ये आपका है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला या उष्ण घास का मैदान, और जो पंपास है ये है आपका शीतोष्ण घास का मैदान। पंपास जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो पंपास ये आपका है दक्षिणी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद में फिर अगला आ जाएगा अफ्रीका में है यहाँ पे वेल्ड, अफ्रीका का क्या है वेल्ड, वेल्ड कहाँ का है तो ये है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का कौन सा हो जाएगा वेल्ड हो जाएगा। इसके बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, डाउन्स जो कि आपका कहाँ है ऑस्ट्रेलिया का है, और यहीं पे आपका पड़ता है कैंटबरी, कैंटबरी जो कि आपका न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाते हैं। तो एक बार हम देख लेंगे जो हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और एक बार देख लेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पहला हमारा आ जाता है कंपास जो कि ब्राजील में स्थित है, दूसरे नंबर पर सेराडो जो कि ब्राजील में स्थित है, तीसरे नंबर पर लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है, चौथे नंबर पर आ जाएगा सवाना जो कि अफ्रीका में स्थित है, पाँचवें नंबर पर आ जाएगा पटाना जो कि श्रीलंका का है, और छठे नंबर पे आ जाएगा पार्कलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये छह प्रमुख हमारे उष्ण मरुस्थल थे, सॉरी उष्ण घास के मैदान थे। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान की। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा प्रेरी जो कि उत्तरी अमेरिका का है, दूसरे नंबर पे हो जाएगा स्टेपी जो कि आपका यूक्रेन का है, और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो है ये वृक्ष रहित घास का मैदान है। नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा आपका पुस्टाज जो कि हंगरी का है, इसके बाद में नीचे की ओर चले आएंगे। अगला हो जाएगा हमारा पंपास जो कि दक्षिणी अमेरिका का है, नेक्स्ट हो जाएगा वेल्ड जो कि दक्षिणी अफ्रीका का है, और हो जाएगा डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, और अगला हो जाएगा कैंटबरी जो कि हमारा न्यूजीलैंड का है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, जो डाउट हैं वो डाउट आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।